Good morning, students. Hello, student. I am Priyanka Rajput, assistant professor of SIIT Bhopal from 8th branch. Today we will learn about the class C commutations. In previous lecture, we have already discussed about the class A, class B, as well as the what is the definition of commutations, post commutation, and natural commutations. Just revise that. A commutation is a process of turn off the thyristor. Means what? The process of turn off SCR is called a commutation. Today we will learn about the class C commutations. In this commutations, now we discuss about the class C commutations. Firstly, this commutations is also called voltage commutations as well as complementary commutations. Why it is called voltage commutations and complementary commutations? Because the class C commutation is also called a voltage commutations because the SCR is turned off by applying reverse voltage across it. Means what? Whenever we will make a diagram, you can see कि जो उसको हम लोग टर्न ऑफ करेंगे थायरिस्टर को या एससीआर को, उसको रिवर्स वोल्टेज का यूज करके हम लोग क्या करेंगे, उसे टर्न ऑफ करेंगे. सेकंड मैंने वर्ड यूज किया कॉम्प्लीमेंट्री एससीआर, कॉम्प्लीमेंट्री कम्यूटेशंस. व्हाई इट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री? बिकॉज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड कि इसमें दो एससीआर यूज करते हैं, ठीक. दोनों एससीआर को आपस में पैरेलली कनेक्ट करते हैं. क्लास सी कम्यूटेशन में आगे जाके तुम लोग ये देखोगे कि दो एससीआर आपस में कनेक्टेड है. पहला एससीआर पहले काम करेगा, दूसरा एससीआर हम लोग ऑन करेंगे और उस दूसरे की हेल्प से पहले वाले को ऑफ करेंगे. फिर दूसरा वाला जब काम कर रहा होगा अपना, वो जब अपना काम कर चुका होगा तो हम लोग पहला वाला फिर से ऑन करेंगे, पहला वाला फिर दूसरे वाले को ऑफ करेंगे, फिर दूसरा वाला पहले वाले को. मतलब हम लोग बोल सकते हैं जो दो थायरिस्टर हम लोग इसमें यूज कर रहे हैं वो दोनों एक दूसरे को कम्यूटेट करने का काम करेंगे. तो इसलिए इसे यहाँ पे बोला है कि कॉम्प्लीमेंट्री क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो दूसरा वाला एससीआर है, जो सेकंड एससीआर है, उसको हम लोग पहले वाले के साथ पैरेलली आपस में कनेक्ट करते हैं, ठीक. उसके बाद अभी जब डायग्राम बनाओगे, डायग्राम देखोगे तो उसमें दिखेगा कि एक कैपेसिटर लगा होगा, ठीक है. एक कैपेसिटर होगा जो कि ये दोनों जो मैंने बोला दो एससीआर हमने यूज किए हैं, इन दोनों एससीआर के बीच में कनेक्टेड होगा. मैंने तीन पॉइंट बोले क्लास सी कम्यूटेशंस के. इट इज आल्सो कॉल्ड वोल्टेज कम्यूटेशंस, कॉम्प्लीमेंट्री कम्यूटेशंस. देन फिर हमने बोला कि उसे वोल्टेज कम्यूटेशन क्यों बोलते हैं, बिकॉज टर्न ऑफ बाय द अप्लाइंग रिवर्स वोल्टेज अक्रॉस इट, पहली कंडीशन. कॉम्प्लीमेंट्री क्यों बोलते हैं, क्योंकि आपस में पैरेलली कनेक्ट करते हैं. कैपेसिटर कहाँ कनेक्टेड होता है, दोनों एससीआर के बीच में. अब मैं आगे बात करूं, डायग्राम की बात करते हैं. जैसे मैंने बोला कि दो एससीआर लिए, मैंने एक का नाम दे दिया थायरिस्टर वन, सेकंड वन इज अ थायरिस्टर टू, देन कनेक्टेड विथ सीरीज रेजिस्टेंस आर वन एंड आर टू. जो भी लेट आता है ना, मैं उसका रोल नंबर लिखना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए प्लीज पहले थोड़ा ऐड हो जाया करो, ठीक. देन मैंने बोला था कि एक कैपेसिटर है जो इन दोनों के बीच में कनेक्टेड होता है. तो अगर डायग्राम आप देखोगे तो देखो कैपेसिटर है जो इन दोनों थायरिस्टर के बीच में मैंने क्या किया है, इसे कनेक्ट किया. Then this is a main diagram of class C commutations. तुम्हें दिमाग में सारे diagrams याद होने चाहिए. जैसे अभी मैंने बोला class A, तो दिमाग में आना चाहिए class A में मैम ने क्या किया था, supply, then SCR, then capacitor, inductor, then resistance. मैंने बोला class B, तो दिमाग में आना चाहिए supply, पहला thyristor, then उसी के नीचे connected था capacitor, inductor, then उसी के नीचे auxiliary thyristor, then उसके बाद load. अगर इतना दिमाग में रख लोगे डायग्राम का तो थ्योरी लिख पाओगे. क्लास सी दिमाग में आना चाहिए सप्लाई रेजिस्टेंस थायरिस्टर, रेजिस्टेंस थायरिस्टर, बीच में कैपेसिटर, तो आराम से सब कुछ पढ़ सकते हो. क्लास सी में ये मेन डायग्राम है. अब जैसे मैंने बोला था, एज आई टोल्ड, हैव अ टू थायरिस्टर, फर्स्टली वर्क दिस, देन दिस थायरिस्टर कम्यूटेट विद द हेल्प ऑफ टी टू. मीन्स वॉट, ये जब काम करेगा तो इसकी हेल्प से हम लोग इसे कम्यूटेट करेंगे. जब ये काम करेगा तो फर्स्ट वाले की हेल्प से हम लोग इसे कम्यूटेट करेंगे. क्लियर? कैसे होगा आगे पढ़ेंगे. सपोज
सपोज स्टार्टिंग में इनिशियल कंडीशन, ठीक है, मैंने कौन सी कंडीशन बोली, इनिशियल कंडीशन बोली, मीन सबसे स्टार्टिंग में मैंने फर्स्ट वाले थायरिस्टर को क्या किया, कम्यूटेट, फर्स्ट वाले थायरिस्टर को ट्रिगर्ड किया, ठीक है। ट्रिगर्ड कैसे करते हैं, गेस, उसका जो गेस, उसका जो गेट टर्मिनल होता है, ठीक है, उसका जो गेट टर्मिनल होता है उस पर मैं क्या करूँगी, गेट पल्स प्रोवाइड करूँगी, मीन्स उसे क्या करूँगी, ट्रिगर्ड करूँगी। जो लोग नए हैं उन्हें पता होना चाहिए, अगर मैम बोल रही है ट्रिगर्ड मीन्स ऑन करना, मैम बोल रही है कमिटेड मीन्स ऑफ करना, ठीक। मैंने बोला सबसे पहले मैं फर्स्ट वाले थायरिस्टर को ट्रिगर्ड करूँगी, ट्रिगर्ड करूँगी मतलब अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि फर्स्ट वाले थायरिस्टर के गेट टर्मिनल पे मैं पल्स प्रोवाइड करूँगी, उसे सप्लाई प्रोवाइड करूँगी, मीन्स पहला वाला SCR मेरा यहाँ पे क्या हो गया, ऑन हो गया। जैसे ही वो ऑन हुआ मतलब करेंट फ्लो शुरू होना शुरू होगा, करेंट कहाँ कहाँ फ्लो, कहाँ से कहाँ जा रहा है, सप्लाई वोल्टेज रजिस्टेंस वन देन थायरिस्टर देन बैक टू, कहाँ चला गया वो वापस सप्लाई। साथ ही साथ इस पॉइंट पे अगर देखोगे तो यहाँ से भी करंट फ्लो होगा, यहाँ से जो करंट फ्लो होगा वो कौन सा करंट होगा, कैपेसिटिव करंट होगा। तो वो जो करंट फ्लो होगा वो कहाँ से होगा, सप्लाई देन, सप्लाई देन आर टू रजिस्टर देन कैपेसिटर देन थायरिस्टर देन बैक टू सप्लाई, ठीक। इस तरह से दो करंट इस थायरिस्टर में से फ्लो होंगे। मीन्स मैं अगर इसका एक इसको फिर से एक बार रिवाइज करूँ तो मैंने क्या बोला, सबसे पहली कंडीशन मैंने ली कि दोनों SCR मेरे ऑफ कंडीशन में है, मीन्स वॉट SCR1 एंड SCR2 आर इन ऑफ कंडीशन ड्यूरिंग द इनिशियल कंडीशन। देखो फिर उसी को उसने पॉइंट वाइज लिख दिया। देन नेक्स्ट वो बोल रहा है क्या कि मैंने फर्स्ट वाले SCR को ऑन किया, अभी मेरा SCR2 जो है वो क्या है, ऑफ है। जब मैंने SCR1 को ऑन किया तो उस टाइम पे जैसे टर्न ऑन किया गेट पल्स के थ्रू, तो जो चार्जिंग कैपेसिटर है वो, मतलब जो ये कैपेसिटर लगा है वो कैसे चार्ज होगा या वहाँ से कैसे करंट फ्लो होगा, तो वो देखो इसको उसने ले लिया सप्लाई वोल्टेज, DC वोल्टेज है तो उसने यहाँ पे लिख दिया VDC। देन उसके बाद ये वाला जो रेजिस्टेंस है R2 यहाँ से जा रहा है, देन कैपेसिटर का पॉजिटिव, कैपेसिटर का नेगेटिव, देन SCR1, देन उसके बाद बैक टू बैटरी। तो जिस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है उसी चीज को उसने क्या किया, यहाँ पे पुट डाउन कर दिया। देन नेक्स्ट वो बोल रहा है जब अपना ये जो कैपेसिटर है, ठीक है, जब ये देखो अभी इस डायरेक्शन में कैपेसिटर ऐसे फ्लो हो रहा है, मतलब कैपेसिटर की ये वाली प्लेट जो है वो पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड है, मीन्स ये पॉजिटिव प्लेट्स हो जाएगी और ये वाली प्लेट कौन सी हो जाएगी, नेगेटिव प्लेट हो जाएगी। जैसे ही इस कैपेसिटर की जो चार्जिंग कैपेसिटी है, जैसे ही ये कैपेसिटर की जो वैल्यू है वो इस सप्लाई वोल्टेज के बराबर हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी, तो जो मेरा SCR, जो मेरा कैपेसिटर है इससे जो करेंट फ्लो हो रहा था वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस टू जीरो हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर यहाँ पे वोल्टेज इंक्रीज कर रहा है, ठीक, अगर यहाँ पे वोल्टेज इंक्रीज कर रहा है मतलब चार्जिंग बढ़ रही है, तो जैसे जैसे ये चार्ज होते चला जा रहा है अपने में से ये करेंट जो फ्लो हो रहा था उसको क्या करता जाएगा, कम करता चला जाएगा। तो जैसे ही इसकी वैल्यू इस वाले वैल्यू के बराबर हो जाएगी, मतलब ये फुली चार्ज हो जाएगा, ये अपने में से जो करेंट फ्लो हो रहा था उसे क्या कर देगा, स्टॉप कर देगा, ठीक। उसके बाद वो बोल रहा है कि ये वाला जो करंट हो रहा है लोड करंट, ये जो करंट है ये मेन करंट है, लोड करंट है, तो ये कहाँ से पास हो रहा है, ये हो रहा है सप्लाई वोल्टेज, फर्स्ट रेजिस्टेंस, देन थायरिस्टर, देन बैक टू सप्लाई। तो इसने बताया भाई डीसी वोल्टेज, लोड रेजिस्टेंस, फर्स्ट थायरिस्टर, देन बैक टू सप्लाई। इसी को अगर मैं आगे देखूँ और नेक्स्ट मैंने क्या किया, अब पहली कंडीशन इनिशियल कंडीशन बताई, दूसरी में मैंने फर्स्ट वाले को ऑन किया, तीसरी कंडीशन में वो बोल रहा है कि अब मैं SCR1 को ऑफ करूंगा और 2 को क्या करूंगा, ऑन करूंगा। अब ये ऑफ कैसे होगा वो देखना है तुम लोग को, ठीक। जब मैंने इसे सपोज अभी कैसे ऑफ हो रहा है वो कंडीशन अभी मैंने नहीं बताई है, मैंने बस कंडीशन बता दी है कि अब मैं इसे ऑन करूंगी और इसे ऑफ रखूंगी। अब ये ऑफ कैसे हुआ वो देखना है। मैंने वही कंडीशन, इसे गेट पल्स के थ्रू मैंने इसे क्या किया, ट्रिगर्ड किया। जैसे ही मैंने इसे ट्रिगर्ड किया, ठीक है, जैसे ही मैंने इसे ट्रिगर्ड किया, ये भी ऑन था, ये भी ऑन कंडीशन में था, उसी टाइम पे मैंने इसे ट्रिगर्ड कर दिया। जैसे ही मैंने इसे ट्रिगर्ड किया तो जो ये कैपेसिटर था ये उसने जो चार्ज किया है वोल्टेज उसे क्या करेगा, डिस्चार्ज करना शुरू करेगा, क्या करेगा, डिस्चार्ज करना शुरू करेगा। इसको मैं दूसरे एनिमेशन के साथ बताऊंगी, एक दो मिनट रुक जाओ।
मैं वापस ही इसको पूरा एक्सप्लेन करूंगी। इसका जो थर्ड वाला अगर डायग्राम देख रहे हो तुम लोग, थर्ड वन, इसमें मैंने क्या बोला कि मैंने इस वाले को अब ट्रिगर्ड कर दिया है, मतलब सेकंड वाले को ऑन कर दिया है। तो जैसे ही मैं इसे ऑन करूंगी तो जो मेरा कैपेसिटर फुली चार्ज हुआ था उस पर जो पोटेंशियल है माइनस और प्लस, मतलब इस डायरेक्शन में ही कैपेसिटर करंट डिस्चार्ज करेगा, तो इस कैपेसिटर के कारण ये जो थायरिस्टर है इसके जो पॉइंट्स है इसका पोटेंशियल जो है इस पे जो वोल्टेज अप्लाई होगा वो क्या हो जाएगा, ये वाला टर्मिनल माइनस और ये वाला टर्मिनल क्या हो जाएगा प्लस। मींस व्हाट, मैं क्या बोल सकती हूँ कि इस थायरिस्टर पे क्या होगा, रिवर्स वोल्टेज, जो रिवर्स वोल्टेज है वो वाली कंडीशन आ जाएगी। मींस ये जो थायरिस्टर है वो रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में चला जाएगा और क्या हो जाएगा, ये टर्न ऑफ हो जाएगा। ठीक, देखो इस तरह से डायग्राम बन गया, क्लियर। अब जैसे ये डिस्चार्ज हुआ, ठीक है, अब जैसे ये वाला डिस्चार्ज हुआ इसके थ्रू, तो इसका पोटेंशियल चेंज हो गया, मतलब यहाँ पे रिवर्स ब्लॉकिंग आ गया और ये चला गया ऑफ कंडीशन। मींस व्हाट, अब इस कैपेसिटर डिस्चार्ज हो गया इस वाली कंडीशन के थ्रू, मींस जो पॉजिटिव था जो नेगेटिव था उसमें अब चेंजेस होंगे। मींस व्हाट, अब मैंने कौन सा वाला, सेकेंड वाला ऑन कर चुकी हूँ, तो सेकेंड वाला मैंने ऑन किया तो अब जो करेंट फ्लो होगा वो कहाँ से फ्लो होगा, यहाँ से फ्लो होगा, और साथ ही साथ ये जो कैपेसिटर लगा है उसमें जो करंट फ्लो होगा वो कहाँ से होगा, इस वाले लूप से फ्लो होगा। मींस अब जो ये कैपेसिटर है, ठीक, अब जो ये कैपेसिटर है उसकी ये वाली जो प्लेट है वो बैटरी के पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड है। मींस जो ये वाली प्लेट है ये पॉजिटिव हो गई और ये वाली जो प्लेट है वो कैसी हो गई, नेगेटिव हो गई। ठीक, मतलब पोलैरिटीज क्या हो गई, अब चेंज हो गई। अब नेक्स्ट कंडीशन, मतलब करंट जो फ्लो हो रहा है SCR से थायरिस्टर से, वो जो तुम लोग फिर लिख सकते हो, एक तो ये वाली कंडीशन में करंट फ्लो हो रहा है थायरिस्टर 2 से और एक ये वाला करंट फ्लो हो रहा है। ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं, तो फिर वही कंडीशन सेम इसको ऑफ करने के लिए यूज कर रहा है जैसे इसने यहाँ की थी। देखो ये प्लस हो गई, कैसे प्लस हुआ, ये प्लस से कनेक्टेड हो गया, यहाँ से करंट जा रहा है, ये वाला नेगेटिव से कनेक्ट हो गया इसलिए ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव। अब ये फुली चार्ज हो गया, जैसे ये चार्ज हो गया अब मैं क्या करूंगी, इस वाले को, फर्स्ट वाले को फिर से ट्रिगर्ड करूंगी, इसे ट्रिगर्ड करूंगी। मींस इसे क्या कर, इसे सर्किट को क्या मिल जाएगा, कैपेसिटर को डिस्चार्ज करने के लिए पाथ मिल जाएगा। मींस ये वाला जो थायरिस्टर है वो फिर से किस में चला जाएगा, ये माइनस हो गया और ये वाला टर्मिनल पॉजिटिव हो गया, मतलब ये रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में चला गया। जैसे ये रिवर्स ब्लॉकिंग में गया मतलब ये क्या हो गया, ऑफ हो गया। इस तरह से ये वर्क करता है। क्या कुछ सुना तुम लोगों ने मैंने क्या कहा? Yes, ma'am. कुछ पता चला? Yes, ma'am. पहले उसको ऑफ ऑन कर रहा है, ट्रिगर कर। क्लियर है मैम? क्या क्लियर है? हाँ, कैसे वर्क कर रहा है वो, कम्युनिकेट कैसे कर रहा है? एक बार फिर से मैं रिवाइज करती हूँ, ठीक है? मैं अब जो मैंने बाद में डायग्राम बनाया एक के बाद मैं उसके थ्रू एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है? प्लीज ध्यान से सुनना। क्लास सी कम्युटेशंस मींस व्हाट, in which we have used two thyristors, thyristor 1 and thyristor 2, which are connected in parallel and capacitor are connected in between them. In dono ke beech mein capacitor ko connect kiya hai. In initial conditions, maine kya kiya hai, dono thyristors ko on rakha hai. Matlab dono thyristor ko kya kiya hai, triggered nahi kiya hai. Then second condition, maine kya kiya, first wale SCR ko triggered kar diya matlab gate pulse se use triggered kar diya. Agar maine ise triggered kiya matlab ek loop ye ban raha hai current flow hone ke liye, dusra loop ye wala ban raha hai current flow hone ke liye. To ye wala jo current flow ho raha hai, agar main is wale current ko suppose maine naam de diya kya, I1, to I1 current ki agar mujhe value likhna hai to main likh sakti hu voltage upon mein resistance. तो वोल्टेज जो उसको सप्लाई दे रहे हैं वो है VS और वो जिस रेजिस्टेंस से फ्लो हो रहा है वो हो गया R1, ये R1 है, ठीक। यही अगर मैं लूप 2 की बात करूं कि लूप 2 का जो करंट है वो कैपेसिटर से जा रहा है, मतलब मैं उसको बोल सकती हूँ कौन सा करंट है, कैपेसिटिव करंट है। तो कैपेसिटिव करंट की अगर मुझे वैल्यू निकालनी है तो मैं लिख सकती हूँ वही सप्लाई वोल्टेज प्लस अपॉन में कौन से रेजिस्टेंस से जा रहा है, वो R2 रेजिस्टेंस है। तो इस तरह से इन दोनों की वैल्यू मैं लिख सकती हूँ। अब ये जो दोनों रेजिस्टेंस है, ठीक, ये जो दोनों रेजिस्टेंस, दोनों करंट है, ये वाला करंट और ये वाला करंट, ये दोनों ही मिलके किससे फ्लो हो रहे हैं, मेन थायरिस्टर से। मींस व्हाट, मैं बोल सकती हूँ कि इनिशियल थायरिस्टर 1 का जो करंट है वो क्या हो जाएगा,
आई वन प्लस आई सी, इन दोनों को प्लस करेंगे तो वही करंट इसमें से फ्लो हो रहा है, तो ये इसकी थ्योरी है। जो ये आई, अब इसके बाद में ये बोलना चाहूंगी कि जो एक कैपेसिटर है इसमें से ये करंट फ्लो हो रहा है, ठीक। अगर ये करंट फ्लो हो रहा है, ये बैटरी का पॉजिटिव है, मतलब कैपेसिटर की जो ये वाली प्लेट्स है ये कौन से चार्ज को स्टोर करेगी, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएंगे और यहाँ पे जो चार्ज आएंगे वो कौन से आएंगे, नेगेटिव आएंगे। जिस कंडीशन में कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाता है, मतलब वी सी की वैल्यू, कैपेसिटिव वोल्टेज की वैल्यू जब वी एस के बराबर हो जाएगी, उस केस में यहाँ का जो करंट है, मतलब आई सी से जो करंट फ्लो हो रहा था वो रिड्यूस टू जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये तो फुली चार्ज हो गया है। अब जब तुम अपना मोबाइल चार्ज लगाते हो, फुली जब वो 100% हो जाता है, तो कभी ऐसा नहीं दिखाया था कि वो 101% चार्ज हो गया, 102% चार्ज हो गया, वो ऐसे नहीं दिखाता। 100 चार्ज होने के बाद वो अपनी चार्ज